पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है और गांव की सरकार फिर से बनेगी। हम नेशन भारत के खास कार्यक्रम पंचायत के महासंग्राम में आपका पियरो के जितौरा जंगल महल में आपका स्वागत करते हैं। मुखिया जी भी अभी किसी काम से व्यस्त थे, हमारे घेरे में आए हैं। हम उनसे ये जानना चाहेंगे, मुखिया जी 5 साल में जिस वादे के साथ गई थी पंचायत चुनाव में, वो वादे उन्होंने अपनी जनता से गांव की सरकार में पूरा किया या फिर जितने वादे थे जितनी योजनाएं थीं सिर्फ कागज़ में देखने को मिली। जैसा कि हम वीडियो से भी कल बात किए थे, उन्होंने कहा कि जहां भी जो कमी है उसे चुनाव के पहले मुखिया को आदेश दिया गया है कि वो जलनल योजना से लेकर और भी जो योजनाएं हैं उसको पूर्ण कर लें। आइए, मुखिया प्रतिनिधि हैं सुशील सिंह, हम उनको घेरे में लेते हैं कि योजनाएं जो हैं वो धरातल पर कितनी उतरी हैं और यदि नहीं पूरी हुई हैं तो उसका क्या धनराशि का अभाव रहा या अधिकारियों से सहयोग नहीं मिला या फिर बिहार के जितनी पंचायतों में जो देखने को मिलता है सड़कों को निकालने के लिए भूमि का विवाद, नालियों को निकालने के लिए भूमि का विवाद भी यहाँ क्या इस पंचायत में रहा, आइए चलते हैं। सुशील जी, नेशन भारत में आपका स्वागत। पहली बात तो है कि मुखिया प्रतिनिधि हैं, 5 साल पहले आपकी मुखिया वादा करके गई होंगी, उनका भी एक शपथ पत्र बना होगा कि ठीक है हम ये काम पूरा करेंगे, कितना उसमें से पूरा हो गया? इस चैनल को, भारत चैनल को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, मुखिया हम लोग 5 साल में तो वादा किए थे, वादा हम लोग तो काफ़ी कर दिए, निभा दिए। विकास तो मेरे पंचायत में काफ़ी हुआ है। आज़ादी के बाद मैं पहला मुखिया जो रेणु देवी बनी महिला, यहाँ पहला मुखिया रेणु देवी है, फर्स्ट रेणु देवी महिला में। आज़ादी के बाद इस पंचायत में इतना विकास हुआ, नली हो, रोड हो, पीसीसी हो, माने रेणु देवी के समय विकास। हाँ, रेणु देवी के समय पहले 50 साल में कोई विकास नहीं, सब मुखिया थे वही थे। आज जब हम विकास किए हैं तो आम जनता चुनाव में आएगा ना, उसका तो निर्णय आम जनता ना करेगा, हम विकास किए हैं कि नहीं किए हैं, ये तो देखने वाली बात है। आप सुशील जी, मुख्यमंत्री की जो 7 निश्चय योजना थी उसमें उनका एक जो था हर घर को जल, उस योजना में आपकी पंचायत कहाँ खड़ी उतरी? उस पंचायत, देखिए, नल जल योजना है, फेलियर योजना है। मान लीजिए आप नल जल काम कर रहे हैं, कहीं पाइप टूट गया, कहीं वार्ड सक्सेसफुल नहीं है वहाँ काम कराने का, कहीं ठेकेदार किया तो पैसा लेके भाग गया। देखिए, मेरे ही पंचायत में एक 10 नंबर वार्ड में हम लोग पैसा डाले, ठेकेदारे वो पैसा लेके भाग गया, लास्ट में क्या हुआ, हम लोग पर केस हुआ, वार्ड पे भी हुआ। हम लोग बार बार वीडियो से बोले, सर ये पैसा लेके भाग गया है, उस पर कार्रवाई किया जाए। इसलिए हम लोग पहले ट्रेनिंग दिया गया था ठेकेदारे के थ्रू से काम कराने का, समझें, तो क्या हुआ, ठेकेदार के थ्रू से हम लोग काम कराएं, ठेकेदार लेके भाग गया, तो उसमें अब सजाए हम लोग को मिलना। तो उस पैसे की रिकवरी सरकार के अधिकारी नहीं किए, सब कुछ दोष आप लोगों पे ही आ गया, ये बहुत सी पंचायतों में सीखा। हाँ, ये सही बात है। सरकार, अब हम तो हम बोल ही रहे हैं, आपके बगल का पंचायत जो है, उसमें भी ये शिकायत है, ठेकेदार भाग गया है, आपका भी ठेकेदार। तो इसमें जो वीडियो है, जब उन्होंने कहा कि इसी ठेकेदार को मिलना चाहिए, तो क्या फिर वो फिर कार्रवाई कुछ नहीं किए? तो बोल रहे हैं भाई, हम वीडियो पे ठेकेदार पे नहीं ना कार्रवाई करेंगे। फिर आप लोगों ने अपने स्तर से उस ठेकेदार को खोज लिया? केस किए हैं हम लोग, ठेकेदार पे केस किए हैं। मेरे यहाँ अब्दुल्ला अंसारी है, हम केस किए हैं कोर्ट में, उन पर केस किए हैं। क्या आपको लगता है कि वो पैसा रिकवरी हो जाएगा? एकदम होगा, क्यों नहीं होगा, कोर्ट चाहेगी तो नहीं होगा, कहाँ भाग के जाएगा वो, कहाँ भाग के जाएगा। सुशील जी, एक और बात, जल जीवन हरियाली भी एक योजना आई, उसको आप कहाँ तक देखते हैं? जल जीवन हरियाली से यहाँ मैं 2 बड़ा करहा का मैं अपने द्वारा से मैं सरकार को लिखे थे, एक 8 नंबर पानी और 1 10 नंबर पानी, और जल जीवन हरियाली के
थ्रू से यहाँ मुख्यमंत्री को आना था। जितावरा जंगल में फील्ड के पास है, वहाँ फील्ड में जल जीवन हरियाली से देखिए PCC ढलाई, घाट बनवाएं, वहाँ पार्क बना, दो आंगनबाड़ी बना, फील्ड का चौतरा बना बैठने वाला। मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री का एक स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, उसके तहत ODF पंचायतें हो रही हैं। ODF है ना, इस देहात में सक्सेसफुल नहीं है, लोग उस पर अभी जागरूक नहीं है। बाहर जाएंगे भी, उसके लिए क्या है? अब मान लीजिए, सुनिए, पहले बता, अब कोशिश किए हैं, जनजागरण आपने नहीं किया? हाँ, कोशिश किए हैं, एकदम किए हैं। देखिए यहाँ ये क्या है, गरीब का ये बस्ती इधर काफ़ी है, पंचायत हम लोग गरीबों का पंचायत है। मान लीजिए हर एक व्यक्ति के पास 12,000 रुपया सरकार कहती है बनाओ, तो 12,000 रुपया डालेंगे, जो कि बहुतों के पास नहीं है। भाई 12,000 कहाँ से लाएगा? मजदूर करने वाला वो खाएगा और 12,000 रुपया लाएगा? वो तो मजदूरी कर रहा है बेचारा, उसको मजदूरी मिल रहा है 300, और 12,000 पल ही लग जा रहा है एक पैखाना में, लाइटिंग बनाइएगा तो 12,000 में नहीं बनेगा, सही तरीके से नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। उसको लगभग सरकार का या देश लाना चाहिए लगभग 20,000 रुपया। तो सुशील जी, क्या मानते हैं कि ये भी योजना का कहीं ना कहीं बंदरबांट हो रहा है अधिकारी से लेके और सबसे सबके साथ मिल? ना अफसर साहब, ना गलत बात है, 12,000 रुपये में कौन, ये सब गलत बात है। प्रधानमंत्री की आवास योजना आई, आपके इलाके में कितने लोगों को आपने अपने कार्यकाल में उसको? देखिए मैं ये तो बात अच्छा बोले आप, प्रधानमंत्री आवास जितना हम यहाँ पंचायत में दे दिए गरीबों को, यहाँ लगभग हम नया में पुराना में 600 इंदिरा आवास दिए हैं, नया सूची में 350 जोड़वाए हैं, 950 इंदिरा। जी कहीं उसमें भी तो ये ऐसा नहीं हुआ ना कि जिनके पास अथाह संपत्ति है, 4 तल्ला मकान है, उनको भी कहीं मिल गया हो लिस्टिंग में जब हुआ? ना, क्या अपने अपने से देख देख को? ना, ये सब गलत बात है। जन विरोधी रहेगा तो बोलबे ना करेगा, पक्का को मिल गया, कच्चा को मिल गया, कच्चा के नहीं मिला, पक्का को मिल गया, ये गलत बात है ना। मैंने अपने सब कुछ हम लोग सब इस बार की दावेदारी क्या पक्की है? चुनाव के दंगल में जो हमारा खास कार्यक्रम आ रहा है, तो उसमें क्या दावेदारी पक्की है आपकी, फिर से उतरेंगे रेणु देवी को? एकदम पक्का, हम विकास किए हैं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, एकदम 100 में 100 आज जीत है। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, बिहार की जो पूरी समस्या है, जातिवाद कितना बड़ा फैक्टर रखता है आपके जीतरुआ? देखिए जात से हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, जात बोल कर चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे ना। कितना मैंने फैक्टर कितना रखता है? ना हम लड़ेंगे तो फैक्टर कुछ नहीं है, अब आम जनता देखिए जात पात क्या होता है, ये सब हम नहीं जानते। मतलब आप विकास के ऊपर ही फिर लड़ेंगे, जो विकास आपने 50 साल में नहीं हुआ था? हम देखिए जब आज़ादी के बाद विकास नहीं हुआ है, हम विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे ना, हम विकास किए हैं। अब उसके बाद अब विकास करते हुए भी जनता नहीं दे तो अब उससे अब क्या बोला जाए? मतलब सबका साथ सबका विकास वाले, हम सबको मान सम्मान सबको एक देते हैं, मेरे दरवाजे पे मेरे यहाँ कहीं कोई भी भेंट आता है तो उसको हम मान सम्मान जरूर देते हैं, मेरा लक्ष्य है मान सम्मान। मतलब जीत पक्की? जीत 100 में 100, ये तो आम जनता बताएगा ना, हम तो मैदान में उतरेंगे तब ना। चलिए, चुनाव की घोषणा होने वाली है, सिर्फ तिथि की घोषणा नहीं हुई है, पहले फेज में बिहार में यही इलाके हैं, क्योंकि उत्तर बिहार में तो नवंबर में चुनाव जाएगा, यही इलाके हैं जहां होगा। सुशील सिंह जी जो मुखिया के प्रतिनिधि हैं, रेणु देवी जो मुखिया हैं, उनकी दावेदारी पक्की रहेगी और विकास का काम इन्होंने जो 50 साल में नहीं हुआ था, जिसे 5 साल में इन्होंने किया है, उसके ऊपर फिर से जनता से वोट मांगने जाएंगे और दावेदारी इतनी पक्की है कि कह रहे हैं कि 100 में 100% हम जीत कर आएंगे। सुशील जी, नेशन भारत से आप बात किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि आप फिर से चुनाव जीत कर आएंगे और जो विकास 5 साल में आपने किया है उसकी गंगा बहती। एकदम अच्छी बात है भैया, आप आइए और फिर चुनाव हम जीतेंगे तो फिर आपको बुलाएंगे। धन्यवाद देता हूँ, एकदम दिल से धन्यवाद देता हूँ। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।
Thank you.